खाने पीते हैं, जो हम भोजन करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो हम फल फ्रूट्स खाते हैं, तो इसमें बहुत सारे कचरा अर्थात बहुत सारी गंदगी हमारे शरीर में दोस्तों जमा होती है। हमारे बॉडी का शुद्धिकरण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे माइंड का पूरा शरीर शुद्ध साफ निर्मल ऊर्जावान ओजवान शरीर दोस्तों आपका हो जाएगा और आपके शरीर में रहने वाली सारी बीमारियां आपसे गुस्सा होकर भाग जाएंगे। फिर आपके पंकज शुक्ला का वादा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं अपने बॉडी और माइंड को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, कैसे हम डिटॉक्स कर सकते हैं। और इस क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है जिसका नाम है षट कर्म। षट कर्म की क्रिया दोस्तों पूरे प्राकृतिक चिकित्सा में नेचुरोपैथी में बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि जो हमारा शरीर है दोस्तों बहुत सारे मॉर्बिड्स, बहुत सारी गंदगी, बहुत सारे अवशिष्ट विषाक्त पदार्थों से भरा हुआ है। क्योंकि जो हम पानी पीते हैं, जो हम भोजन करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो हम फल फ्रूट्स खाते हैं, तो इसमें बहुत सारे कचरा अर्थात बहुत सारी गंदगी हमारे शरीर में दोस्तों जमा होती है, जिससे हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता है। तो जिस प्रकार से गाड़ी की सर्विसिंग कराई जाती है, जो कार्बोरेटर में कचरा रहता है उसको बाहर फेंका जाता है, जो एयर फिल्टर रहता है उसको साफ किया जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे बॉडी का शुद्धिकरण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे माइंड का शुद्धिकरण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस दिशा में जब हम शुद्धिकरण की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम और सबसे प्रमुख रूप से जो नाम आता है उसे कहते हैं षट कर्म की क्रिया। और षट कर्म में दोस्तों छह कर्म, नाम से ही लग रहा है षट कर्म की क्रिया। और यह षट कर्म की क्रिया पंकज शुक्ला का वादा है दोस्तों, अगर आपने इसको नियमित रूप से किया आपका पूरा शरीर शुद्ध साफ निर्मल ऊर्जावान ओजवान शरीर दोस्तों आपका हो जाएगा और आपके शरीर में रहने वाली सारी बीमारियां आपसे गुस्सा होकर भाग जाएंगी। फिर आपके पास कभी कोई बीमारी आएगी नहीं, क्योंकि उसको बीमारी को रहने के लिए आपके शरीर में अनुकूल परिस्थिति ही नहीं रहेगी। आपका शरीर इतना, आपका इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल हो जाएगा दोस्तों कि सारी बीमारियां टाटा बाय बाय हो जाएंगी और आपका मन शुद्ध, शरीर शुद्ध हो जाएगा। सो सबसे पहले दोस्तों आइए बात करते हैं कि शुद्धिकरण की क्रिया है क्या और कैसे हम इसको कर सकते हैं। सारे मुद्दे पर आज हम बात करें। षट कर्म अर्थात छह कर्म की क्रिया कौन करेगा? शुद्धिकरण की क्रिया, मुझे बताइए, अगर दूसरे से करवाएंगे तो आपको कोई फायदा मिलेगा क्या? ये कोई यज्ञ नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई पूजा नहीं है कि आपके लिए कोई पंडित जी पूजा कर दे और आप स्वस्थ हो जाएं। ये क्रिया आपको खुद करनी पड़ेगी तभी आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो षट कर्म में दोस्तों सबसे पहली क्रिया आती है जिसे नेति कहते हैं। तो नेति की क्रिया कहते हैं, इसमें नेति करते हैं, धोती करते हैं, वस्त्र करते हैं, नौली करते हैं, कपालभाति करते हैं और त्राटक करते हैं। ये छह क्रिया और इसे छह क्रियाओं से दोस्तों बना है षट कर्म की क्रिया। अब नेति अलग अलग प्रकार की होती है। जल नेति, जब जल से नाक से एक नाक से पानी डालकर दूसरे नाक से जल निकाला जाता है, इसे जल की नेति कहते हैं। जिनको कफ की समस्या है, साइनस की समस्या है, बहुत ज्यादा छींक आती है, जिनका कफ दोष विकृत है, अस्थमा की समस्या है और जिनको नींद की समस्या, बहुत ज्यादा हेडेक और टेंशन रहता है दोस्तों, उनको नेति सबसे बेस्ट बताया गया है। लेकिन थोड़ा सा देख रेख में करें, इस बात का ध्यान रखें, जब आप नेति करना चाहते हैं तो रात को नाक में थोड़ा सा शुद्ध गाय का देसी घी डाल करके, ताकि आपके दोनों नथुने क्लियर रहें, साफ रहें। इसके लिए दोस्तों आपके पास एक नेति लोटा होना चाहिए। नेति लोटा नाक में एक तरफ लगाना है, धीरे से नाक को झुकाना है, इसमें ध्यान रखना है मुंह खुला रखना है, मुंह से सांस लेते रहना है और नाक में जब नेति लोटा लगाएंगे तो पानी को अंदर नहीं खींचना है, ऑटोमेटिक पानी को जाने दीजिए, नहीं तो इससे आपके सिर पर पानी चढ़ जाता है, जिससे आपको थोड़ा सा हेडेक भी हो सकता है। फिर नाक से पानी डालेंगे और मुंह से पानी वो निकलना शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं जल की नेति। तो नेति जल से करते हैं, दूध से करते हैं, घी से करते हैं, तेल से करते हैं, तो अलग अलग प्रकार के दोस्तों नेति होती है। तो नेति क्रिया हमारे शरीर के शुद्धिकरण की जो सबसे पहली क्रिया बताई है। सूत्र या रबर से नेति करते, एक रबर आता है आपको मेडिकल की दुकान में मिल जाएगा, तो रबर, नाक से रबर डालो, उसको पकड़ो और इस तरीके से नेति कर सकते हैं। ये नेति की सबसे बहुत बेहतरीन क्रिया दोस्तों मैंने आपको बता दिया। दूसरा नेति के बाद आता है दोस्तों धौती। धौती के नाम से लग रहा है, धौती मतलब होता है धोना, धोना अर्थात साफ करना। साफ क्या करना? पेट को साफ करना। अब कैसे साफ करना, इसको कुंजल क्रिया कहते हैं, पूरा पेट आपका साफ हो जाए। कैसे साफ होगा पेट? तो दो तरीके से साफ होगा। एक तो दोस्तों आप 2 से 2.5 लीटर या 3 लीटर आप हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें सेधा नमक और नींबू का रस थोड़ा सा मिला दीजिए। तो गुनगुना पानी लेकर बैठ जाइए और जैसे लैटरिन करने के लिए बैठते उकड़ू, तो उकड़ू लैटरिन करने के लिए जैसे बैठते वैसे ही आपको बैठना है और फटाफट ग्लास का पानी, सेधा नमक और वो नींबू का पानी जल्दी 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 आपको पीना है। उसके बाद आपको ये बीच की 2 उंगलियां लेनी है, एक सप्तमध्यिका और एक अनामिका, इसको जीभ पे हल्का सा अंदर डाल के, और जब इसको दबाएंगे तो पूरा पानी आपको उल्टी हो जाएगा फटाफट,
और इसको दो बार तीन बार ये क्रिया करेंगे तो इस तरह दोस्तों आपका पूरा पेट क्लीन हो जाएगा। एक तो इस तरीके से धौती की क्रिया होती है उल्टी करके वमन करके। दूसरा धौती होता है दोस्तों इसमें 20 से 22 फीट 2 इंच से 2.5 इंच चौड़ी पतले महीन कॉटन का कपड़ा साफ सुथरा कपड़ा लेना है, उसको गीला करके धीरे धीरे पानी के माध्यम से उसको गटकते हुए अंदर धीरे धीरे लेना है और पूरा 20-22 फीट वो कपड़ा आपको अंदर चबा लेना है, खा लेना है और फिर उसको बहुत ही आराम से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता निकालना है। इससे आपका पूरे जो गले का जो सिस्टम है, जो पेट है आपका, जो पूरा पेट एकदम साफ सुथरा क्लीन हो जाएगा। तो ये धौती की दोस्तों क्रिया है, बहुत अद्भुत क्रिया है, इससे पेट साफ होता है। इसमें दोस्तों आप ऐसा भी धौती कर सकते हैं कि आप पानी पिए खूब सारा और लैट्रिन के गुदाद्वार के माध्यम से पानी बाहर निकले, तो उसको अगर करने जा रहे हैं तो थोड़ा देख रेख में करें, किसी प्राकृतिक चिकित्सक की देख रेख में करना है। तो नेती हो गया दोस्तों, धौती हो गया, बस्ती करते हैं। तो बस्ती किस प्रकार से करना है, तो बस्ती लेने की क्रिया है, एक तो एक कमर के बराबर आप पानी में खड़े हो जाएं और आपको उड्डयन बंद लगाना है, पूरा सांस बाहर निकाल के पेट को अंदर खींच लेना है और धीरे धीरे आप जब उड्डयन बंद को छोड़ेंगे तो आपके गुदा द्वार से पानी ऊपर आंत में चढ़ने चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्रिया आपको करना है, तो खूब सारा पानी जब आपके गुदा द्वार में चढ़ जाए तो इससे दोस्तों फिर आप धोती इसे बस्ती की क्रिया करेंगे और फिर लैट्रिन जाकर पूरा पानी बाहर निकालना है। नहीं तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों आप एक वाटर एनिमा का पॉट खरीद लीजिए। वाटर एनिमा पॉट आपके घर में होना चाहिए, उस पॉट को थोड़ा सा ऊंचाई पे रख ले, हल्का गुनगुना पानी उसमें डालना है, थोड़ा सा नमक या नींबू डाल सकते हैं अगर आपको बवासीर की समस्या नहीं है तो, मतलब आप अगर रिलैक्स फील कर रहे हैं तो उसमें उस पानी को आपको 1 से 1.5 लीटर पानी पूरा आपके आंत में चढ़ा देना है, ठीक है, जिस प्रकार से आपको यहां पर दिख रहा है। तो वाटर एनिमा का वीडियोस में आप लोगों को जब सिखाता हूं जैसे वाटर एनिमा कैसे करना है, तो संपूर्ण जानकारी कोर्सेस में आप लोगों को देता हूं। तो वाटर एनिमा आपको लेना है, उसके बाद भी पेट आपका बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन हो जाएगा वाटर एनिमा के माध्यम से, पानी से जब आप एनिमा लेते हैं। या दोस्तों इसमें एक औषधि के माध्यम से भी बस्ती दी जाती है जो पंचकर्म में मैंने आपको सिखाया था, वो भी एक बस्ती की क्रिया है, उसको पंचकर्म वाला वीडियो आप सभी लोग जाकर देख लेंगे। तो नेति हो गया दोस्तों, धौती हो गया, बस्ती हो गया। अभी नौली की क्रिया, मतलब उड्डयन बंध लगाकर वाम नौली, दक्षिण नौली और मध्यम नौली निकालते हैं, फिर वाम दक्षिण मध्यम तीनों नौली जब एक साथ चलाना दोस्तों शुरू कर देते हैं तो इसे नौली चालन कहते हैं। तो नौली क्रिया अगर आप करते हैं तब इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं, आपको जिंदगी मोटापा नहीं होगा, पेट आपका बढ़िया साफ होगा, बॉडी आपका डिटॉक्स होगा, तो बहुत अद्भुत फायदे दोस्तों नौली के आपको मिलेंगे। तो नौली करना है। इसके बाद दोस्तों पांचवी क्रिया आती है सटकर में, कपाल भाती। अब देखो इसमें दो शब्द है, कपाल और भाती, मतलब ओजवान, चमकीला बनाना कपाल को। तो इसमें दोस्तों नाभि को अंदर खींच के नाक से सांस बाहर निकालने की क्रिया होती है, ये कपाल भाती है। तो कपाल भाती क्रिया दोस्तों आपको कम से 500 स्ट्रोक से लेकर 1000 स्ट्रोक तक अगर आप करते हैं तो इससे आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, शरीर के सारे विषाक्त तत्व तो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जिनको हाई बीपी की समस्या है या बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है तो प्लीज वो कपाल भाती ट्राई ना करें, इस बात का ध्यान आप सभी को रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों त्राटक की क्रिया। आप त्राटक सूर्य से करते हैं, दीपक से करते हैं या बिंदु से करते हैं। सुबह सुबह का उगता हुआ सूरज आप सभी को देखना है, सूरज के सामने खड़ा हो जाना है, आंखों की पलकें खुली रखना है, कंटिन्यू नॉन स्टॉप सूरज को देखते रहना है। या दोस्तों आप एकांत जगह पर बैठकर मोमबत्ती जला लीजिए और उस मोमबत्ती की लौ को बिना पलक झपकाए देखते रहना, या किसी एक डॉट बिंदु बना लीजिए, ब्लैक कलर का डॉट, और नॉन स्टॉप आप उस डॉट को देख सकते हैं, जिसे त्राटक की क्रिया कहते हैं। इसमें आंख से पानी भी निकल सकता है या आपकी आंखों के पलकों पर थोड़ा सा पेन भी हो सकता है। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव दोस्तों, अपने जीवन के अनुभव से हजारों लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया, सिखाया हूं, जिनको हजारों लोगों का भी अनुभव मेरे पास है, लोगों का फीडबैक मेरे पास है। अगर आप त्राटक करते हैं जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, ड्राइनेस आंखों का खत्म होता है, हेडेक खत्म होता है, माइग्रेन खत्म होता है, माइंड में जो नकारात्मक विचार आते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये पंच षट कर्म की क्रिया आप लोग जरूर ट्राई करें और ये षट कर्म की क्रिया आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से दोस्तों बदलाव लाएगा। आपका पूरा शरीर शिखा से लेकर पैर के नाखून तक बिल्कुल दोस्तों साफ सुथरा, स्वच्छ, शुद्ध और सुंदर हो जाएगा। आपके शरीर की सारी बीमारियां
जड़ से खत्म हो जाएंगे अगर दोस्तों 6 महीने तक आप सठ कर्म की क्रिया का अभ्यास कंटिन्यू कर लेते हैं, तो यह पंकज शुक्ला का वादा है। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक की बटन नीचे है, प्लीज एक लाइक तो जरूर बनता है, और इस वीडियो को दोस्तों 10 लोगों को शेयर कर दे, ताकि हम भारतीय संस्कृति सभ्यता और अपनी हजारों साल सनातनी सभ्यता को और इस स्वस्थ रहने के सीक्रेट को, रहस्य को लोगों को पहुंचा सके। और दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब की बटन जरूर दबा दें, ताकि हमारा और आपका जुड़ाव सुनिश्चित हो जाए। और प्लीज बेल आइकॉन, घंटी 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 को बजा दीजिए दोस्तों, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज आपको आ जाएगा, ताकि आप उस वीडियो को देख सके। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नए उत्साह के साथ। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।